For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys and welcome to Movies Adda. दोस्तों बिग बॉस के घर में अब फाइनली फिनाले वीक नजदीक आने वाला है और घर में कंपटीशन भी बहुत टफ हो चुका है. ऐसे में रोमिल और श्रीशांत जो कि दोनों ही टॉप कंटेंडर्स हैं, जी हाँ दोनों के दोनों टॉप कंटेंडर्स हैं और ऐसे में दोनों एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं. जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि रोमिल जो है वो श्रीशांत से कहते हैं कि कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो, आप पहले वो देखो, ट्रॉफी के आसपास भी आपको आने नहीं दूंगा. फिर श्रीशांत भी सामने से काफी पर्सनल कमेंट्स उन पर पास करते हैं और ऐसे में इस बीच जब घर में नया टास्क आया है, पेंटिंग टास्क, उस टास्क में जो है लिटरली श्रीशांत और उनके साथ रोमिल जो है इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है. जी हाँ, यानी दोनों एक दूसरे से लड़ भिड़ते हैं. और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक ये जो वॉर थी ये जुबानी वॉर होती थी, लेकिन अब जो है दोनों के बीच में हाथापाई चालू हो जाती है. दोनों एक दूसरे को मारने की कगार पर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जब है पूरे घर वाले यानी केवी, रोहित और दीपक, ये लोग सब मिलकर उन्हें बचाते हैं, बचाने मतलब अलग अलग करते हैं डेफिनेटली. तो कहीं ना कहीं इस तरह का अग्रेशन फिनाले के नज़दीक आकर दिखाना काफ़ी ज़्यादा गलत होगा. और अब जो है बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे में भी अगर कंटेस्टेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि घर में किस तरीके से खेलना है, तो डेफिनेटली ये सीज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग कर रहा है ऑडियंस को. सो दोस्तों इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? रोमिल और श्रीशांत की ये जो अननेसेसरी फाइट्स चल रही हैं, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की वजह से, या फिर मे बी आई डोंट नो, मतलब बिना किसी रीज़न के इतना ओवर रिएक्ट करने की ये जो फाइट्स चल रही हैं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.